Dear students, the next topic is dielectric constant or relative electrical permittivity. Dielectric constant or relative electrical permittivity, इनको define करना है, definition बनानी है इनकी, cramming नहीं करनी है, definition आप लोगों को सीखनी है कैसे बनाते हैं, ठीक है बेटा। इधर सुनिए, डिफाइन करने से पहले आपको मैं बताता हूं स्टेप फर्स्ट। अगर दो पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, इफ देयर आर टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 which are separated by distance r and they are placed in vacuum का मतलब होता है free space में रखे गए हैं ये दो पॉइंट चार्जेस लिए Q1 और Q2, इनके बीच में डिस्टेंस r है और इनको वैक्यूम में रखा गया है, then according to Coulomb's law फोर्स कितना होगा इनके बीच में जब वैक्यूम में होंगे, Fv, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम हो गया 1/4πε0 शबाश Q1 Q2 r2। ये कूलम्बस लॉ में हमने पढ़ लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये दो चार्जेस किस में रखे गए हैं, वैक्यूम में या फ्री स्पेस में। अब स्टेप सेकंड में Q1 Q2 और इनके बीच में डिस्टेंस r है। अब ये मीडियम में रखे गए हैं, मीडियम का मतलब है इनके बीच में हमने रखा, आप मान लीजिए पेपर, मान लीजिए गिलास, मान लीजिए वुड, कुछ भी मीडियम रखा। पहले तो हवा था या कुछ भी नहीं था, अब इन दो के बीच में हमने पेपर रखा, Q1 इधर रखा, Q2 इधर रखा, ऐसे। तो क्या होगा, तो आप लोग देख लीजिए, दिस इज स्टेप नंबर सेकंड। व्हेन द टू पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन ए गिवन मीडियम देन Fm स्टैंड्स फॉर मीडियम इज इक्वल टू 1/4π सिर्फ एप्सिलॉन, दोनों में बताता हूं अभी, Q1 Q2 r2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा एप्सिलॉन नॉट होती थी, बताया गया है आप लोगों को एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आर वैक्यूम। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आर वैक्यूम, लेकिन जो ये एप्सिलॉन है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम। ये फर्क है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन में। ये परमिटिविटी होती है मीडियम की, चाहे पेपर की, चाहे ग्लास की, चाहे जो कोई भी चीज आप लोग इन दो चार्जेस के बीच में रखोगे, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, इनको डिवाइड कर दीजिए। डिवीजन करने पर शाबाश बेटा, Fv/Fm इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 r2 डिवाइडेड बाय 1/4π
एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये दो टर्में कैंसिल, फोर पाई कैंसिल। ये आएगा बेटा इस तरीके से, गलती नहीं करना यहां पर, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया ये, डिवाइडेड बाय वन अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ऊपर जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां तक समझ आया बेटा? दिस इंप्लाइज दैट एफ वी अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को बेटा रखना है बराबर कैपिटल के आर एप्सिलॉन आर। इस कैपिटल के को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का दूसरा ही नाम है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। दोनों डेफिनेशनें आ गई आप लोगों के पास, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। व्हाट नाउ इन ऑर्डर टू गिव द डेफिनेशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आप लोगों को याद रखना है बेटा। दो दो डेफिनेशनें बना सकते हो जैसे मर्जी है। व्हाट इज एफ वी? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम। व्हाट इज एफ वी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम। व्हाट इज एफ एम? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द सेम टू चार्जेस इन मीडियम, याद रखिए। व्हाट इज एप्सिलॉन? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आर वैक्यूम। दो डेफिनेशन आप लोगों को मैं बताता हूं, दोनों आप लोगों को याद रखनी है। इधर देख लीजिए, के आर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, पहले इस पर बनाएंगे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट पर। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो अलग अलग करके, k इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट करके, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी। इधर देखो, अब डिफाइन करके देता हूं, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज डिफाइनड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आर वैक्यूम। शाबाश बेटा, बोल सकते हो। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज डिफाइनड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आर वैक्यूम। इनका रेशियो है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। दूसरी डेफिनेशन आप लोग बना सकते हो ऐसे, यहां पर मैं बताता हूं दूसरी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। के आर एप्सिलॉन आर ये किसके बराबर भी है? एफ वी अपॉन एफ एम पर भी है, दोनों ये देख लीजिए। एफ वी अपॉन एफ एम कर सकते हो डिफाइन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी is also defined as the ratio of
force of attraction between any two point charges in vacuum to the force of attraction or repulsion between these two point charges in given medium. फिर से बता रहा हूं, dielectric constant or relative electrical permittivity is defined as the ratio of force of attraction or repulsion between two point charges in vacuum to the force of attraction or repulsion between these two point charges in given medium. ये एक definition है, this is first definition, this is second definition. जैसे मर्जी, इसमें रेशियो है फोर्सेस का, इसमें रेशियो है परमिटिविटी का. याद रखिए, रेशियो ऑफ फोर्सेस इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है बेटा, डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट होती है. ठीक है, इधर सुनिए, आप लोगों को मैं एक चार्ट बना के देता हूं. इधर सुनिए, ये है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट.